ओम नमः शिवाय। तंत्र के रचयिता भगवान शिव को मेरा नमस्कार है। आज इतिहास के पन्नों से कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो कि पलक झपकते ही किसी को भी आपके अधीन कर देगा। एक ऐसा यंत्र जो देखते ही देखते आपके साध्य को आपकी ओर अनुकूल कर देगा। ये इतना चमत्कारी है कि एक बार लगा देने से उम्र भर के लिए सामने वाला आपका गुलाम बन के रह जाता है। बहुत ही प्रभावी, बहुत ही कारगर यंत्र आज मैं दे रहा हूँ। वैसे मैंने ये यंत्र आज तक किसी को दिया नहीं है, लेकिन जो मेरे साधक हैं मैं उनको दिखाना चाहता हूँ कि तंत्र की शक्ति क्या होती है। तो महामाई का ये यंत्र है, यदि इसे सटीक तरीके से लगा दिया जाए तो बड़े से बड़ा तांत्रिक भी इसे हटा नहीं पाएगा। इस यंत्र को बनाने के लिए बहुत ही कम मुशक्कत करनी पड़ेगी, अन्यथा बहुत सारे मंत्र जपने पड़ते हैं, तंत्र लगाने पड़ते हैं, फिर जाकर आपको परिणाम देखने को मिलते हैं। लेकिन ये इतना सुगम है कि इस वीडियो को देखकर कोई भी कर सकता है। आपको क्या करना है, जब भी ये साधना प्रारंभ करें तो अपने मन मस्तिष्क को सात्विक कर लें। सात्विक का मतलब ये नहीं है कि आपने शराब गुटखा छोड़ दिया, बीड़ी पीना छोड़ दिया तो आप सात्विक हो गए। ये एक्सट्रीम लेवल पर यहाँ पर होता है। आपको अपने विचारों को भी शुद्ध करना होगा, अपने आहार को भी शुद्ध करना होगा, अपनी दृष्टि को भी शुद्ध करना होगा। जब ये सब आप कर पाएं, जब इसमें निपुण हो जाएं, उसके बाद इस साधना को प्रारंभ कीजिएगा, अन्यथा लाभ की जगह हानि भी हो सकती है। जब तक मन में सच्चा प्यार ना हो तब तक इस यंत्र को छुए बिना, इसको कतई प्रयोग में ना लाएं जब तक कि आपके मन में सच्चा प्यार ना हो। यदि पतिदेव जो है वो रूट कर जा रहे हों, कुछ मनमुटाव हो गया हो या कोई तीसरा एंगल हो, तब आंख मूंद कर इस यंत्र को लगाया जा सकता है। इस यंत्र की विशेष बात ये है कि ये पहले ही दिन से असर दिखाना शुरू कर देता है, और जिस जिस भक्त को, जिस जिस साधक को मैंने ये तंत्र दिया है, ये तंत्र आज तक खाली नहीं गया है। इस तंत्र की विशेष बात ये है कि इस तंत्र को कोई भी काट नहीं सकता, इसकी काट नहीं है। यदि आपने ये लगा दिया तो मैं भी असमर्थ हूँ इसको काटने में, क्योंकि इसके पीछे जो शक्ति काम करती है वो महामाई है, माँ काली का ये यंत्र है, और दो शक्तियाँ इसके पीछे काम करती हैं। वो दोनों इतनी पावरफुल हैं कि यदि किसी ने इसे छेड़ने की भी कोशिश की तो वो परलोक सिधार जाएगा। कितना ही बड़ा तांत्रिक हो, कितना ही बड़ा सेवड़ा हो, शाणा हो, वो इस तंत्र को छू भी नहीं सकता। तो जब भी कभी किसी पर करें तो 10 बार सोचें और उसके बाद इस यंत्र को लगाएं। बहुत ही कारगर है। इस यंत्र को आप शुक्रवार के दिन बना सकते हैं। शुक्रवार के दिन आपको रोली से ये यंत्र बनाना है। भोजपत्र का एक कागज़ लीजिएगा, भोजपत्र अगर ना हो तो कोई भी पेड़ लीजिएगा, और पेड़ की छाल पर भी आप इसे बना सकते हैं। इस यंत्र को बनाते वक्त ये ध्यान रखें कि आपके आसपास कोई ना हो, स्वच्छ हवादार कोई कमरा हो वहाँ पर आप इसे बना सकते हैं। यदि किसी जंगल में बनाएं,
किसी वीराने में बनाएं, किसी गुफा में बनाएं, तो ये अत्यधिक प्रचंड हो जाता है। इसकी जो सीमाएं हैं वो अत्यधिक हो जाती हैं, इतनी कि आप दूसरे देश में बैठे हुए किसी को भी अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं। जब इस यंत्र को बनाएं तो मन ही मन में ये विचार चलना चाहिए कि माँ भगवती आपकी कृपा सुन रही हैं, आप पर कृपा कर रही हैं, आपकी पुकार सुन रही हैं और जो भी साध्य है उसको आपकी ओर लेकर आ रही हैं। कई बार क्या होता है, मैं देखता हूँ कि जब मेरे पास क्लाइंट आते हैं तो वो 3-4 एक साथ आ जाते हैं, तो कभी भी तंत्र जो है वो एकांत में होता है। किसी को भी साथ लेकर ना जाएं, एकांत में करें और चुपचाप बिना पीछे मुड़े देखे वापस आ जाएं। जब ये यंत्र निर्माण हो जाए तो इस यंत्र के भीतर आपको अमुक दिख रहा होगा, उस अमुक व्यक्ति की जगह अपने साध्य का नाम लें और यंत्र को 3 बार माथे से लगाएं। उसके बाद जो भी आपकी कामना हो कि मैं चाहता हूं कि ये जो मेरे पति हैं ये मेरे वश में रहें, ये जो मेरी पत्नी है ये मेरे वश में रहे, या जो मेरा साथी मुझसे रूठ कर चला गया है वो मेरे समीप आ जाए, जो भी आपकी कामना हो वो यंत्रराज से कहिए। और इसके बाद उसी जगह पर एक गड्ढा खोदें और वहाँ पर इसको डाल दें। गड्ढे को अच्छी तरह से ढक दें ताकि कोई इसको निकाल ना पाए। ये तंत्र यदि ख़त्म करना हो तो ये यंत्र यहाँ से निकलेगा, तभी ये तंत्र जो है ख़त्म होगा। अन्यथा यदि ये यंत्र अपने आप नष्ट हो गया तो ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये उम्र भर के लिए लग जाएगा। तो कई बार ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं, गुरुजी वो तंत्र जो आपने लगाया था वो हटा दीजिए, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो गया है। तो ऐसे में यंत्र को जो है उसी स्थान से खोद कर निकाला जाता है और जलाया जाता है, तब ये तंत्र समाप्त होता है। अगर आप अनश्योर हो कि आपको ये लाइफ टाइम के लिए नहीं करना है तो आप उस चीज़ को वहाँ से निकाल कर जला भी सकते हैं। जलाते वक्त आपको रक्षा घेरा पता होना चाहिए कि रक्षा घेरा कैसे बनाते हैं, अन्यथा कुछ नेगेटिव चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में आ सकती हैं। ये जो तंत्र है ये काले जादू में आता है, ये सात्विक नहीं है। इस तंत्र से किसी को भी देखते ही देखते अपने वशीभूत किया जा सकता है, और मैंने तो ऐसे भी केसेस देखे जिसमें कि जिस पर भी किया जाता है वो बस जब तक साध्य को देख ना ले रोता ही रहता है। जो करता है उसको जब तक साध्य नहीं देखता तब तक बिलखता रहता है, रोता रहता है, उसे और कुछ अच्छा ही नहीं लगता। और ये इतना इंटेंस होता है कि आप सोच भी नहीं सकते, रोने के सिवा सामने वाले को और कोई काम दिखेगा ही नहीं, किसी भी काम में मन नहीं लगेगा। ये चीज़ें मैंने होती हुई देखी हैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। बहुत ही प्रचंड होता है इसका आकर्षण, इतना कि आप यदि प्रैक्टिकली देखेंगे तब आपको समझ में आएगा, मैं कितना भी कह लूँ आपको समझ में नहीं आएगा। तो भली प्रकार से सोचकर उसके बाद ही इस तंत्र को लगाएं, और माँ काली जो है इस तंत्र की शक्ति हैं और आपके कार्य को बनाने में उनका बहुत बड़ा योगदान होगा। तो सर्वप्रथम जब भी आप इस यंत्र को बनाना शुरू करें तो माँ भगवती से एक बार हाथ जोड़कर निवेदन करें कि इस तंत्र में मुझे सफलता प्रदान करें और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उनको मुझसे दूर रखें, और कुछ प्रसाद चढ़ाने को कहें कि अगर ये काम बनता है तो मैं इतनी प्रसाद चढ़ाऊंगा और इतने दिनों के भीतर भीतर मेरा काम बना दीजिए। ऐसा करने से ये जो प्रोसेस है इंटेंसिफाई हो जाता है और आपका काम बहुत जल्दी बनता है।
तो यंत्र आपको बनाते समय इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि यंत्र को भोजपत्र पे बनाना है, शाही रहेगी रोली की और जो कलम रहेगी वो रहेगी अनार की। इन तीन चीज़ों के मेल से आपको ये यंत्र बनाना है और किसी भी निश्चित स्थान पर गाड़ देना है। गाड़ने के बाद उस स्थान से उठकर बिना पीछे मुड़े आपको अपने घर आ जाना है और फिर देखना है किस तरह से ये तंत्र जो है अब चमत्कार करता है। यदि कुछ समझ में ना आया हो, कुछ त्रुटि हुई हो, आपको कुछ भी चीज़ पूछनी हो तो आप मेल कर सकते हैं info@mohiniwidya.com पर या फिर कॉल कीजिएगा 9992841625। धन्यवाद।